आप कैचडी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचडी। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एचडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। राजधानी के कॉमन हॉल दारूसभा में राष्ट्रीय उदय पार्टी की बैठक चल रही है जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल, वहीं उपाध्यक्ष केके पाल और प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार ले रहे हैं आज अपने समाज की बैठक। और राष्ट्रीय उदय पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक है जिसमें हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस समय काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय उदय पार्टी की संगोष्ठी बैठक है जहां आए हुए महानुभावों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी कर रहे हैं इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज की बैठक का क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय उदय पार्टी की बैठक चल रही है जहाँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू राम जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आज बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। आज की यह बैठक राष्ट्रीय उदय पार्टी की एक संगठनात्मक ढांचे की बढ़ाने के लिए बैठक है। संगठन को मजबूत करना, खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा, तो एक संगोष्ठी बैठक है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम सभी राष्ट्रीय कमेटी के लोगों ने मिलकर के माननीय श्री सर्वेश कुमार पाल जी के काम को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए, जैसा कि उन्होंने जनता के सुख में दुख में हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो उनको आज राष्ट्रीय उदय पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए हैं। तो और दूसरी एक अहम जिम्मेदारी, जैसा कि लखनऊ इतने बड़े राज्य की राजधानी है, तो इस राजधानी लखनऊ के भी जिले की जिम्मेदारी, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे भाई माता प्रसाद माही जी को आज दिया गया है। तो आज का कार्यक्रम शुद्ध रूप से संगठन को विस्तार देना एक इस कार्यक्रम पर रहा। दूसरी आज का चर्चा का विषय है भागीदारी। संपूर्ण भारतीय समाज को, जब तक हर तबके को राजनीतिक भागीदारी ना मिले, आर्थिक समानता ना आए, राजनीतिक समानता ना हो और सामाजिक समानता ना हो, धार्मिक समानता ना हो, तब तक हमारा मानना है कि पूर्ण आज़ादी नहीं मानी जाती है। तो हम हमारा एजेंडा खास करके आज जो निर्णय हम ले रहे हैं भागीदारी आंदोलन पे ले रहे हैं, अति पिछड़ा और अति दलित समाज के लोग आज भी राजनीति से यानी सरकारी सुविधाओं से काफ़ी वंचित हैं। तो खास करके ऐसे लोगों के लिए आज हम निर्णय लेंगे, काम करेंगे। तो राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केके पाल जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि संगठन को किस तरह से विस्तार दे रहे हैं और किन एजेंडों को लेकर जनता की और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज की इस बैठक के बारे में और जो जिन मुद्दों उदय पार्टी की बैठक राजनीतिक समानता और इसी की बैठक हुई है। संगोष्ठी बैठक है ये। संगोष्ठी बैठक इसलिए बनाई गई है कि यहाँ विस्तार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बताया बाबूराम जी ने कि संगठन को विस्तार करने के लिए आज की बैठक है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर और किन की लड़ाई लड़ेगी राष्ट्रीय उदय पार्टी। देखिए, गाँव में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक गांव में लोगों को उनको प्रधानी से नीचे से लगा करके ऊपर तक, जो उनको आज तक नहीं राजनीतिक भागीदारी मिली है किसी भी चीज, या नौकरी हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, कहीं पर इनको भागीदारी नहीं मिल पाई है। तो इसलिए राष्ट्र उदय पार्टी इन मुद्दों कर लेकर के गांव में जाएगी और गांव के लोगों को प्रोत्साहन करके उनको ऊपर ले जाएगी कि राजनीतिक भागीदारी आप लीजिए। अच्छा पाल जी, ये बताएं कि ऐसा क्या है आपकी पार्टी में जो लोग आपके पास जुड़े। हमारी पार्टी में ऐसा है, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, छोटे तबके पार्टी है, ये मतलब जमीनी पार्टी लोगों की आवाज़ जमीनी आवाज बनेंगे हम लोग। जमीनी आवाज़
उठाएंगे और जमीनी आवाज उठा करके सब गरीबों तक इस पार्टी में सभी को जोड़ करके उनको ऊपर तक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी राष्ट्रवाद पार्टी में। तो अब इनके प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करेंगे सर्वेश जी से, कि इनका क्या कहना और किन मुद्दों किन एजेंडों को लेकर और किन की आवाज बनने वाली है राष्ट्रवाद पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि मेरा जो है लक्ष्य यही है, किसानों को, मजदूरों को, समाज में दबे कुचले लोगों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय दिलाना। मैं एक आंदोलनकारी नेता रहा हूँ, मैं तो सेवक कहता हूँ अपने आप को, लेकिन लोग नेता कहते हैं अलग मामला है। और जैसा कि मैं कार्य भी कर रहा हूँ उनके लिए और वही उसी मिशन पर मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अटल हूँ। मैं शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए, चाहे वो जिस जाति बिरादरी धर्म के लोग हों, अगर वो शोषित हैं, पीड़ित हैं, सर्वेश पाल वहाँ जाएगा, उनके लोगों की मदद करेगा जी। तो क्या कहेंगे दो शब्दों में अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाबूराम जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, अपनी पार्टी का गठन किया, उनके बारे में क्या कहना है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई बाबूराम जी को कि उन्होंने जो है, अभी तक मेरा एक दायरा सीमित था और उन्होंने जो है समय कुछ हमारी जिम्मेदारी या हमारे कार्य को देखते हुए उन्होंने अगर जो जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, तो इसके लिए मैं बाबूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि, और मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि ये कारवा बहुत तेज आगे बढ़ेगा और जैसा कि जो है सब आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा दो चार महीने में हमारा किन की आवाज बनने वाली है ये राष्ट्रीय पार्टी। किसानों की, मजदूरों की, समाज में दबे कुचले लोगों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनेगी राष्ट्रीय पार्टी। किसी एक समुदाय या समाज की तो आवाज नहीं बनेगी। नो, मैं फिर कहता हूँ इसमें किसी जात धर्म की बुराई नहीं होगी, कोई किसी जात धर्म को गाली नहीं देगा और जो देता है इसकी उसकी निजी विचारधारा हो सकती है। मतलब इस पार्टी में समानता देखने को मिलेगी, किसी जात बिरादरी को गाली नहीं दी जाएगी, किसी को असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा कि इस जात के है, इस धर्म के है, ऐसा कुछ नहीं, सब एक समान बात करेंगे, भारत माता की जय। ठीक है, तो अब इनके नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष से भी बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है आज की बैठक के बारे में। हम सबसे पहले अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारा नाम माता प्रसाद माही है, हम राष्ट्रोदय पार्टी से जो है जिला अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। रामपुर गढ़ी हमारा गांव पड़ता है, मोहनलालगंज तहसील है, लखनऊ जिले के हैं। तो क्या कहेंगे आज की बैठक के बारे में? हमारी बैठक सभी जो है पदों को वितरण करने के लिए कराई गई है, तो आज पद वितरण किए गए हैं सभी लोगों को। जिम्मेदारी है जो लखनऊ जिले की मिली है उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे? लखनऊ की जिम्मेदारी का है, लखनऊ तो हम यहाँ बचपन से आ जा रहे हैं, लेकिन अब हमको जो है पार्टी से जिम्मेदारी मिल गई है तो एक अलग नजरिया हमको दिखाना पड़ेगा इस लखनऊ में। यहाँ का है नेता लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, यहाँ गंदगी का अपार भ्रषण फैल गया है, इन गंदगियों को लेके हम लोग सफा करेंगे। अभी का है रोड मुक्त, सरकार कह रही है कि गड्ढे मुक्त रोड बनवा रहे हैं, कहीं नहीं गड्ढा मुक्त है यार, हमारे उधर सब रोडों में गड्ढे हैं और गांव में जल के लिए जो है पानी की आपूर्ति है और उसके बाद जो है किसान दाता, जो भी अन्नदाता किसान परेशान है, जो मुद्दे हैं उनको लेकर किसानों और सभी को, सभी की आवाज बनने वाले हैं। आवाज बनने वाले क्या है, वो लोग की मांग है ऐसे, तो हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा ये थे राष्ट्रीय उदय पार्टी के लोग जिनसे हमने बात की और इनका कहना है कि आज संगठन को विस्तृत करने के, विस्तार देने के लिए आज की बैठक बुलाई गई जहां कई जिलों से इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी आए। वीडियो जर्नी सर्विन के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। तो समय मूल्यवान निकाले हैं उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों आज हमारे बीच जो सभी हमारे साथी अभी है मैं उनका अलग से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों इसके आगे अब मैं आऊँगा संगठन पर, यह समय हो संचालन में हो गए तो मुझे समय दें। साथियों संगठन अब किसी कार्य को करने के लिए